शिक्षा वृत्ति में संलिप्त लोगों के रेस्क्यू का काम ठंडा पड़ चुका है। इन दिनों शहर छह तरह के भिखारियों से भरा है। कोरोना काल के बाद से शहर में भिखारियों का रेस्क्यू कर पुनर्वास कराए जाने का काम तेजी से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये पहले के जैसे रफ्तार के साथ नहीं चल रहा है। इसके चलते अब शहर के चौक चौराहों पर भिखारी लोगों से पैसे मांगते हुए नजर आ रहे हैं। भिखारियों का ये दल महाराष्ट्र के गोंदिया, भंडारा जैसी जगहों से रायपुर पहुंच रहा है और उसके अलावा भोपाल और राजस्थान जैसी जगहों से भी व्यापार के नाम पर भीख मांगने वाले लोग शहर में मौजूद हैं। ये लोग पेन और कान खुजाने वाली सामग्री बेचने के नाम पर लोगों से पैसे मांगते हैं। कुछ भिखारी परमानेंट स्थान बनाकर भीख मांगते हैं और इनमें बड़े पैमाने पर ऐसे भिखारी शामिल हैं जो भीख मांगकर नशाखोरी करते हैं। एक युद्ध नशे के विरुद्ध का किया है। इसमें जो लोग रोड पर जैसे कुछ मांगने वाले लोग हैं वो नशे में चले जाते हैं या नशे के जो संभावित क्षेत्र हैं उनका चिन्हांकन करके वहाँ पर हर प्रकार से समझाने से, कार्रवाई से, जिस प्रकार से उनको रोका जा सकता है कार्रवाई की तैयार करने की कोशिश जारी है और बहुत जल्दी ये योजना तैयार करके एक साथ उस पर अमल भी किया जाएगा ताकि इस तरीके की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। छत्तीसगढ़ में